डाउन इस बार चढ़ जाए, पहले ही कर देगा डाउन। बट यहाँ पे भाई जैसे वो ये कौन है, कौन है ये, ये कौन है, ये रिशु है, रिशु रिशु रिशु। लेट्स सी गाइस, चलो आज ओपी वाला कस्टम होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। लकी बकलोल और रिशु और ए इज गेमिंग वर्सेस मेरी टीम जिसमें माधव, यंग वुल्फ, डी नाइटमेयर और जडेजा। सो लेट्स सी क्या होता है। ओके सो गाइस चलो देखते हैं यहाँ पे भाई क्या होने वाला, आई रियली डोंट नो, ठीक है। फर्स्ट मैच यो कस्टम ओपी बोलते, ए इज लकी बकलोल ज्ञान रिशु एंड ए इज गेमिंग वर्सेस यहाँ पे माधव, यंग बुल, डी नाइटमेयर एंड जडेजा। सो लेट्स सी यहाँ पे गाइस क्या होता है, देखना मजे आने वाले हैं। कहते ही जहर मीन्स यहाँ पे पूरी ए एस की टीम है सामने, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे कौन क्या करने वाला है, क्या कौन ओपी वाला गेम प्ले दिखाने वाला है। यहाँ पे अपने साथ में है ए एस साहिल। यो लिटरली आई एम टू मच एक्साइटेड बिकॉज यहाँ पे भाई वो यहाँ पे डैमेज पड़ा हुआ बहुत सही वाली ग्लू वॉल यहाँ पे। ओके यहाँ पे देखते हैं माधव, यंग वुल्फ और जडेजा एंड डी नाइट में चारों के साथ में अभी फिलहाल है साथ में। ओके यहाँ पे इस लकी लकी फिलहाल डेजर्ट ईगल लेके, ओके यहाँ पे भाई बकलोल लेके खेल रहा है MP5 में, इसके पास में है भाई 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 अभी अभी से वेक्टर उठा लाया बट सिंगल वेक्टर है, चले चलेगा कोई बात नहीं। रेशु के पास में यहाँ पे M4A1। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है, फर्स्ट राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है एंड सभी के सभी अपना ओपी वाला गेम प्ले दिखाने के लिए रेडी है। यहाँ पे भाई देखे कौन यहाँ पे डैमेज दे रहा है, ओ भाई माधव तो भैया ऊपर चढ़े हुए हैं। ओके यहाँ पे सब के सब खड़े हुए, देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट राउंड कौन विन आउट करता है। लेट्स सी यहाँ पे भाई यहाँ पे बहुत सही लकी ने एक डैमेज दिया बट यहाँ पे हो चुके हैं बकलोल डाउन। बस खुले में जाते यहाँ पे भाई जडेजा ने यहाँ पे डाउन कर दिया बकलोल को, जडेजा यहाँ पीछे के यहाँ पीछे का बंदा एक और अगेन डाउन। तो यहाँ पे पूरा फिनिश आउट दे दिया। अभी देखते हैं यहाँ पे रिशु को देखते हैं, रिशु अभी स्टिल लाइफ। ओ वो क्वाट्रा किल स्टार्टिंग में ही बाय जडेजा, लॉल ओ माय गॉड गाइस। फर्स्ट राउंड में ही जडेजा ने भाई पूरी क्वाट्रा किल कर दी यहाँ पे, तो अभी मैच और इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, क्वाट्रा किल फर्स्ट राउंड में ही, तो मतलब एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती है कि भाई तुम आगे वाले राउंड्स में भी अपना ओपी वाला गेम प्ले दिखाओ। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे, कौन कस्टम विन करने वाला है। अभी ये काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ बनी पड़ी है हमारे लिए। क्या सो गाइज वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों के एप्लीकेशंस के बारे में बताना चाहूँगी जिसका कि नाम है रूटर। आप लोगों ने माइट भी ऑलरेडी सुना ही होगा, रूटर एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को डेली गिव अवेज देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आप डेली डायमंड्स जीत सकते हो, वहाँ पे डीजे आलोक जीत सकते हो, वहाँ पे आप दूसरों की स्ट्रीम को वॉच करके कॉइन्स भी जीत सकते हैं और उन कॉइन्स को आप डायमंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत अमेजिंग ऐप है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को मिलने वाले 300 कॉइन्स एज ए बोनस। सो जाओ फटाफट से डाउनलोड कर लो। एंड हाँ वन मोर थिंग, अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर 5-star रेटिंग देके हैशटैग बिंदास लिख के एक अच्छा सा कमेंट वहां पे करते तो वहां से अपनी UID भी साथ में आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। वहां से हम सेलेक्ट करने वाले 10 लकी पर्सन है उनको देने वाले डायमंड्स। तो जाओ फटाफट से कमेंट कर देना और अपनी UID और हैशटैग बिंदास लेना लगाना मत भूलना। आखिर एक्चुअल में क्या होने वाला है यहाँ पे। ओके यहाँ पे फिलहाल बकलोल रिशु दोनों के साथ में, दोनों साथ में यहाँ पे ऐसा भी फिलहाल दूर है। ओके यहाँ पे लकी पहुंच चुका है क्लोज में, यहाँ पे देखते हैं आगे ऊपर कौन कौन आया। यहाँ पे माधव भी पहुंच चुका है, यंग बुल भी पहुंच चुका है, डी नाइट में भी यहाँ पहुंच चुका है, जडेजा भी यहाँ पे पहुंच चुका है। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, भाई जडेजा यहाँ पे चला रहा है M10, यहाँ पे एक बंदा डाउन बट डी नाइट में भी यहाँ पे डाउन, जडेजा को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया। यहाँ पे देखते हैं हम ASP डाउन हो चुका है बट यहाँ पे बकलोल भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया। लकी को देखते हैं, लकी स्टिल अलाइव, यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा है बट लकी यहाँ पे एस को रिवाइव देते हुए यहाँ पे फिलहाल बचा लिया गया। यहाँ पे जडेजा यंग बुल दोनों बचे हुए बट सॉरी माधव एंड यंग बुल बट यहाँ पे पूरा फिनिश आउट कर दिया गया जडेजा को। अभी 2v2 हो चुका है यहाँ पे, भाई माधव पीछे पड़े हुए, कौन है वो, लकी के पीछे पड़े हुए माधव बट यहाँ पे AS पहुंच चुके हैं कवर देने। यहाँ पे भाई बहुत ओपी वाला डैमेज यहाँ पे देगा बट AS फिर हो चुके हैं डाउन। लकी को देखते हैं लकी यहाँ पे क्या सेव कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं होने पाला। अब 1v2 यहाँ पे लकी को खेलना पड़ेगा, देखते हैं यहाँ पे 1v2 लकी कैसे हैंडल आउट कर पाते हैं यहाँ पे। ऐसे गए यहाँ पे
ग्लू वॉल तोड़ने की कोशिश। ओके ग्लू वॉल तोड़ के बाहर निकल के जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 1v2 कैसे हैंडल कर पाते वो, क्योंकि यहाँ पे आगे मानव और यंग बुल दोनों के दोनों ही हैं। सो लेट्स सी भाई भाई यहाँ से दिखा, बट यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश की जा रही है बट पॉसिबल यहाँ पे, बट मानव ने फिर भी फिनिश आउट कर दिया लकी को। सो लेट्स सी गाइज अभी मतलब इंटरेस्टिंग मैच हो चुका है काफी ज्यादा, दो राउंड्स यहाँ पे हमारी टीम की तरफ से जीते जा चुके हैं। तो अभी देखते हैं क्या इस वाली टीम यहाँ पे क्या करने वाली है, क्या लोगों को इन लोगों को मतलब बीच स्टार्टिंग में मौका मिल गया, दैट्स नॉट मीन कि यार तुम प्रो हो गए, ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टार्टिंग एक दो राउंड तो यार सब लोग जीत ही लेते हैं, ठीक है तो अभी देखते हैं क्या होता है। ओके यहाँ पे देखें हम लकी को, लकी भैया निकल चुके हैं, बकलोल भी यहाँ पे निकल चुका है। ओके रिशु, रिशु भी साथ में, फिलहाल चारों के चारों तीन बंदे फिलहाल साथ में, रिशु अकेला अलग से जा रहा है। ओके देखते हैं यहाँ पर रिशु क्या उनको लॉन्ग, रिशु के पास में MP40 तो क्लोज तो जाना ही पड़ेगा, लॉन्ग पेड यहाँ पे डैमेज दे नहीं पाएंगे। यहाँ पे माधव यहीं पे, यंग वुल भी यहीं पे, डी नाइट में भी पहुंच चुके पास में, जडेजा यहाँ पे चला रहा है डीगल, देखते जडेजा से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है बट यहाँ पे जडेजा तो फिर हो चुके हैं डाउन। इस बार जडेजा पहले ही कर दिया गया डाउन, बट यहाँ पे भाई जैसे ये कौन है ये कौन है, ये रिशु है, रिशु 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 ने भाई 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 यहाँ पे गाइस डबल किल, ओहो AS था सॉरी AS के डबल किल से दो बंदों को एक साथ डाउन किए यहाँ पे, बट लकी यहाँ पे ऑलरेडी डाउन है। बकलोल को देखते बकलोल यहाँ पे क्या, बकलोल यहाँ पे गए पार्ट में, बट रिशु ने यहाँ पे एक और कर दिया बंदा फिनिश आउट। तो मैंने कहा ना गाइस दो राउंड जीत लिए, दैट्स नॉट मीन कि यार मैच तुम्हारे हाथ में आ गया। तो एक दो राउंड यहाँ पे जीत चुके मेरी टीम, तो एक राउंड यहाँ पे जीत चुके फिलहाल AS की टीम। सो लेट्स सी गाइस इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पे है, देखते हैं यहाँ पे कौन फिनिश आउट करेगा, कौन करेगा एक्चुअली भैया। तो अभी बोलते ना बिड़ू, अभी आया ना मैच हाथ में, अभी पता चलेगा ना अभी एक्चुअली कौन विन करेगा। सो बकलोल को देखते हैं अपन, बकलोल लेट्स लुक आउट टू AS। ओके AS का पिछली बार हमने मिस कर दिया, दो दो बंदे इन्होंने डाउन किए थे, दो दो बंदे फिनिश आउट किए थे। ओके इस बार हम नहीं चाहते कि हम AS को किसी भी तरीके से मिस आउट करें भाई। यहाँ पे ग्लू वॉल ओके बोलते हैं, यहाँ पे डेजर्टिकल से डैमेज देने की कोशिश, बट यहाँ पे बंदे ने लगा ली ग्लू वॉल। ओके जरा लुक आउट करते हैं क्या करने वाले हैं भाई, ग्लू वॉल देख रहे हो गाइस, ग्लू वॉल की स्पीड देख रहे हैं आप क्या, आप ग्लू वॉल की स्पीड देख रहे हैं मतलब AS की ग्लू वॉल की स्पीड देख रहे हैं भैया, मेरे को भी सिखा दो कहीं पे, आई एम नेक्स्ट लेवल गॉट यहाँ पे। ओके यहाँ पे कंटिन्यूसली वॉल रिशु ऊपर डैमेज देने की कोशिश। ओके यहाँ पे बकलोल को देखे, बकलोल पूरा घूम के जा रहे, देखते हैं यहाँ पे बकलोल के पास बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे दिया हुआ, बट बकलोल यहाँ पे हो चुके डाउन करते ही, यहाँ पे लकी ऊपर से डैमेज बट रिशु भी हो चुके इसी के साथ डाउन। यहाँ पे देखते हैं हम AS को, AS क्या कर पाते हैं, AS भाई बहुत सी यहाँ पे ग्लू वॉल लगाई बट काफी गंदा वाला डैमेज उनको ऑलरेडी पड़ चुका है। देखते AS यहाँ पे कितनी देर तक सर्वाइव कर पाते, फोर्थ राउंड यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे भाई माता सामने एक OP वाला हेड तो दिया है बट यहाँ पे डाउन नहीं कर पाए, बिकॉज अगर डाउन करने जाते तो शायद कहीं ना कहीं वो भी डैमेज खाने, बट यहाँ पे ओ बट यहाँ पे लकी को भी कर दिया गया डाउन, यहाँ पे AS अकेले बचे। लेट्स सी गाइस यहाँ पे AS अकेले 1v4 कैसे हैंडल करते हैं यहाँ पे फिलहाल तो लास्ट, बट यहाँ पे D9 में सब लोग यहाँ पे डैमेज दिए थे क्योंकि 1v4 यहाँ पे अकेले खेल रहे हैं, यंग वुल्फ ने फाइनल फिनिश आउट दे दिया है इसको। सो अभी देखते हैं हार क्या होने वाला है, 1-3 हो चुका है, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है गाइस, बिकॉज सामने वाली टीम भी कतई जहर खेल रही है, हमारी टीम भी कतई जहर खेल रही है, मीन्स क्या ही बोले, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल, सबका सब OP वाले प्लेयर हो चुके हैं इधर तो। देखते हैं गाइस अभी स्टिल कंफ्यूजन, बिकॉज अभी जब तक 5 या 6 राउंड किसी टीम के नहीं होता तब तक हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भाई कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, डोंट नो, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कौन कहाँ जीतेगा, कौन कब सरवाइव करेगा, कौन कब किसको फिनिश आउट करेगा, कुछ भी कह पाना यहाँ पे मुश्किल है। AS यहाँ पे फिलहाल तो एक्शन लेके चल रहे, रिशु को देखते रहे, रिशु भैया बॉल तोड़ने की कोशिश, बिकॉज वहाँ पे बंदों ने बॉल लगा चुके, बट यहाँ पे लकी फिर से हो चुके डाउन, लकी से नीचे लकी को कर दिया गया डाउन। बकलोल को देखते हैं, बकलोल ज्ञान रिशु एंड AS तीनों की तीनों है अभी फिलहाल ऊपर, तो यहाँ पे अगर कोई वो बकलोल यहाँ पे कूद चुके नीचे, देखते हैं यहाँ पे नीचे कूदने के बाद क्या किसको फिनिश आउट दे पाएंगे या फिर किसी को डैमेज देंगे, लेट्स सी क्या एक बंदा भी यहाँ पे डाउन कर पाते, यहाँ पे भाई जैसे ही वो पहुंचे बट यहाँ पे डैमेज पड़ना स्टार्ट किया, बट यहाँ पे बकलोल को भी कर दिया गया डाउन, रिशु अभी फिलहाल ऊपर, AS फिलहाल अभी ऊपर, दोनों के दोनों साथ में यहाँ पे, बट बकलोल को कर दिया गया पूरा का पूरा फिनिश आउट।
चुके हैं यहाँ पे कंटिन्यूस की, बट यहाँ पे यंग वुल्फ किसी के साथ हो चुके डाउन एंड यहाँ पे इसने कर दिया फिनिश आउट यंग वुल्फ को, डबल किल यहाँ पे वो कर चुके हैं, 2v2 हो चुका है। नाइटमेयर एंड माधव दोनों बचे यहाँ पर, रिशु एंड एस के यहाँ पर जैसे बाहर उतरे यहाँ पे उनको कर दिया गया डाउन, रिशु यहाँ पे उतरे एंड यहाँ पे रिशु को भी कर दिया गया फिनिश आउट बाय नाइटमेयर। माधव भी डाउन थे बट बहुत अच्छा वाला कवर बाय दी नाइटमेयर, तो काफी अच्छा वाला ओपी वाला गेम प्ले हम लोगों को देखने को मिला। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है, 1-4 हो चुका है यहाँ पे। क्या लगता है गाइस, क्या लगता है आप लोगों को कौन कौन ये कस्टम भुया करने वाला है, क्या बोलती पब्लिक? जैसा ओपी वाला गेम प्ले जडेजा ने स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड में ही दिखाया था, मीन्स क्या ही बोले उसके लिए, तो तारीफ काबिल है, पर हमारे पास तारीफ ही नहीं है तो इतनी तारीफ करने के लिए। यहाँ पे सारों के सारे बंदे यहीं पे, लकी भी यहीं पे, बल्कि बकलोल भी यहीं पे, रिशु भी यहीं पे, एएस भी यहीं पे, देखते हैं चारों के चारों भी साथ रह के मतलब कोऑर्डिनेशन बना के अच्छे से चलना पड़ेगा, तभी मतलब सामने वाली टीम को फिनिश आउट कर, क्योंकि सामने वाली टीम का जो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे चल रहा है भाई 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 भाई, बट यहाँ पे भाई यंग वुल्फ ने दो दो बंदे डाउन कर दिए, एस को भी डाउन कर दिया, बकलोल को भी डाउन कर दिया, रिशु यहाँ पे पहुंचे जडेजा सामने, जडेजा ने यहाँ पे भाई दो डबल किल के साथ में फिनिश आउट दे दिया, यहाँ पे हो चुका है 1-5। ओ माई गॉड, अभी एएस की टीम को अपना ओपी वाला गेम प्ले दिखाना पड़ेगा वरना ऐसे कैसे चलेगा। अभी देखते गाइस क्या होता है, सेवेंथ राउंड यहाँ पे क्या लगता है गाइस, कौन विन करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 1-5 ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे कौन उठाए AWM, ओ भाई डबल AWM बाई AS, तो लेट्स सी क्या साहिल यहाँ पे डबल AWM से किसी को फिनिश आउट देता है यहाँ पे। भैया मुझे लग रहा है या वॉल लगा के ऊपर चढ़ने की शायद ट्राई की जाएगी। यस साहिल अभी फिलहाल वो साहिल पे यहाँ पे दिखा जडेजा, बट यहाँ पे जडेजा ने लगा ली क्यू बॉल, यहाँ पे कंटिन्यूसली AWM की फायरिंग ओके यहाँ पे, बट वो जैसी वॉल टूटी भाई फिर से वॉल लगा ली जडेजा ने, वरना वो बट यहाँ पे डेजर्ट ईगल से ही डाउन कर दिया गया एस को, बट यहाँ पे बहुत सही यहाँ पे उनको बचा लिया गया फिलहाल, तो रशु भी उनके साथ में, बकलोल अभी फिलहाल नीचे, लकी भी उनके साथ में, काफी ओपी वाली सेविंग कर ली गई। अगेन इज ट्राइंग टू गो अप, सो लेट्स सी क्या यहाँ पे ऊपर जाके वो कवर दे पाएंगे। माधव भी फिलहाल घूम के जा रहे हैं यहाँ पे, यंग वुल्फ भी यहीं पे, डी नाइटमेयर को देखे, डी नाइटमेयर भी यहीं पे हैं, ओके जडेजा को देखे, यंग डी नाइटमेयर के सामने बंदा डी नाइटमेयर क्या, बट यहाँ पे डी नाइटमेयर हो चुके इसी के साथ में डाउन, बट यहाँ पे ओपी वाला कवर दिया गया यंग वुल्फ की तरफ से। इसको देखते हैं एस चढ़ चुके ऊपर, ओ वो 150 का फटका यहाँ पे कंटिन्यूसली भाई डबल AWM से यहाँ पे मारने की कोशिश, देखते हैं क्लोज बट यहाँ पे कर चुके डाउन, बट यहाँ पे माधव भी हो चुका है डाउन, रिशु को देखे, रिशु भी उनके पास में, बकलोल भी यहीं पे, माधव यहाँ पे ऑलरेडी डाउन है, यंग वुल्फ डी नाइटमेयर एंड जडेजा स्टिल लाइव, 3v3 यहाँ पे मैच हो चुका है। सो देखते हैं यहाँ पे 3v3 क्या होने वाला, पीछे से आ रहा है जोन, अभी फिलहाल जाना पड़ेगा जोन के अंदर, यहाँ पे बंदे ऑलरेडी वेट कर रहे हैं यहाँ पे काफी अच्छी, तो वो लगा कि खुद को सेव तो कर लिया गया, बट यहाँ पे डबल AWM में तो क्लोज में देखते हैं, बट यहाँ पे अगेन एस हो चुके हैं डाउन, रेशू बकलोल को देखते हैं, बकलोल बहुत सही यहाँ पे ग्लू बॉल, बट बकलोल का मुझना मुश्किल होने वाला है, वो इसी का मिल पर बहुत सही यहाँ पर रेशू ने किया एक बंदा डाउन, ओके देखते हैं यहाँ पे 1v1 हो चुका है, रिशु वर्सेस डी नाइटमेयर यहाँ पे काफी ओपी वाला डैमेज, डी नाइटमेयर की भी हेल्थ काफी कम, बट यहाँ पे भाई क्रोनो लगा के कर दिया गया रिशु को भी फिनिश आउट। ओके इस बार काफी क्रिटिकल सिचुएशन है, बिकॉज अगर ये राउंड हाथ से गया तो भाई 1-7 यहाँ पे होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि यार 1-7 इन लोग, ये लोग चाहेंगे कि 1-7 से ये मैच, ओ भाई माधव यहाँ पे लकी हो चुके डाउन, बकलोल को देखते हैं, बकलोल ओ वो वो यहाँ पे रिशु को भी कर दिया गया डाउन, एस यहाँ पे कंटिन्यू कवर देने की कोशिश, यहाँ पे माधव को कर दिया, सॉरी डी नाइटमेयर को यहाँ पे कर दिया गया डाउन, अगेन सेकंड बंदा, यस यहाँ पे काफी अच्छा वाला, मतलब काफी अच्छा वाला यार, वो बट यहाँ पे भाई मतलब पूरी टीम ने क्या ही ओपी वाला गेम प्ले दिखाया ना, मीन्स क्या ही बोले गाइज, नो वर्ड्स फ्रॉम माय साइड, रियली नो वर्ड्स, really don't have any words for them.